साथियों, ये है मार्कोस टीम और मार्कोस टीम के अभ्यर्थी पास होके बाहर आए हैं। मैं आपको बोला ना कि आज हमारा दिन है, हम गर्दा उड़ा देंगे, कोई नहीं रोक सकता है इनको गर्दा उड़ाने से, क्योंकि इन्होंने तैयारी किया है। आप जो वीडियो को घर से बैठ के देख रहे हैं, आप यहाँ बाजी जान बाजी की लगानी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। दरोगा बनने जा रहे हैं आप, और दरोगा बनने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है आपकी कड़ी मेहनत। साथियों, आप सभी याद रखें कि यहाँ आने के बाद हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे 10 लोगों का उम्मीद जुड़ा है, और 10 लोग ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य आप बना सकते हैं। आप एक बात याद रखना, और इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इमोशन के साथ दौड़ेंगे आप और बिल्कुल आप यहाँ पे जीतेंगे। मैं अभी गर्दनी वाक से वीडियो बना रहा हूँ, आपको टाइम टू टाइम का अपडेट दे रहा हूँ। ये अभ्यर्थी दोनों आप किस शिफ्ट के हैं? बी। आप ए और बी शिफ्ट के अभ्यर्थी अभी बाहर आ चुके हैं, अभी डी भी चल रहा है। आइए आइए, ये भी हमारे ही छात्र हैं, अभी इनका वीडियो देखा आपने और अभी ये हमारे साथ खड़े हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहाली बीपीएसएससी के द्वारा बहुत आसान ली जा रही है। मतलब इस बहाली में अगर आप पास नहीं करेंगे तो समझिए आप कभी भी किसी भी बहाली में पास नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बहाली है, जो लड़का 36 मारा है वो यहाँ पास हो रहा है, जो नहीं मारा है वो तो ऑब्वियस सी बात है छटेगा। और हमारा ऐसा भी लड़का पास किया है जो 6:35 लगाता था, वो पास कर चुका है। हौसला रखिए, सिर्फ आप पास करेंगे। आज सबसे पहले वीडियो में NCL और EWS को लेके बहुत सारी बातें अभ्यर्थी कर रहे थे। मैं मतलब NCL वाले कैंडिडेट जो EBC में आते हैं, क्या क्या लिया गया है वहाँ बताइए। 2022 के अगस्त के पहले का है तो ठीक है, 2023 के पहले का नहीं, तो 2023 का जो भी है वो लिया जा रहा है। 2023 के पहले का जो भी है तो ठीक है, नहीं तो 2023 का भी ले लेता है। ओके, आप समझ रहे हैं, 2023 का भी लिया जा रहा है, उससे पहले का भी लिया जा रहा है। अगर आपके पास है तो आप लेके जाएं और आप वहां पे पास हो जाएंगे। आपका कौन सा कैटेगरी है? SC कैटेगरी है। आप BC हैं, अभी आपका DB नहीं हुआ है। आप तीनों एक सच्ची बात बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि क्या वहां डर लग रहा है? जाने से पहले तो नर्वसनेस रहता है, लेकिन ग्राउंड में जाने के बाद सारा कुछ। अगर आप 5 कदम दौड़ लेंगे और आप मेहनत किए हैं तो उसके बाद कोई डर नहीं है, किसी का बाप से डरना नहीं है। यहाँ डरने आए हो यार, हाँ? और कोई एक बात जान लिया बुआ, तो नहीं यहाँ कुछ ना हो, अगर करेजा में दम हो तब मार के जो यहाँ से, यहाँ और कुछ ना हो, माए बाप के नाम बढ़ेगा इससे रे पागल। दौड़ो ऐसा कि बहन जो कबार दो ग्राउंड को, और वीडियो बना रहे हैं हम, मेरे अंदर जोश है और आज मेरे आंख में आंसू भी है। मेरा एक लड़का का पैर टूट गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है वो, उससे मैं मिलने जाऊंगा आज, मुझे पता नहीं था पटना में ही भर्ती है वो, मैं उससे मिलने जाऊंगा। मेरा एक्सीलेंटर लड़का अल्फा ग्रुप का है, उसके दिल पे क्या बीतता होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया। राहुल को दिल से सलाम करना चाहता हूँ। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जंप का अपडेट दीजिए, लॉन्ग जंप अपडेट लड़का लोग मांग रहा था, कैसा है सर? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, एकदम आसानी से पास हो रहे हैं लड़के, एकदम बालू एकदम मस्त है, कोई आपको सोचना नहीं, पट्टा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास करेंगे, आपको नर्वस नहीं होना है। आप दिल लगा के एकदम जाइए और जितोड़ मेहनत करिए। जय हिंद। और कुछ बताना चाहते हैं आप तो बता दीजिए। हम बताना चाहेंगे कि डर तो लगता है, लेकिन सर इतना फरवा दिए हैं पहले कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 7 बार ट्रायल दिए हैं यहाँ, और 8वां ट्रायल ये फाइनल था। हाँ, हम लोग हर बार पास किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग फेल किए हैं। हमारे ग्रुप से बहुत लड़के पास हो रहे हैं और ये कोई दिखावा नहीं है। देखिए, जो मेहनत नहीं किया है उसको मैं जरूर बोलूंगा। मेरे यहाँ ऐसा लड़का फेल किया है जो 10 दिन बीच में गायब हो गया। अब गायब होने पे क्या हम गांव से थोड़ी खींच के लाएंगे? थोड़े लड़के फेल होते हैं और रेशियो है, फेल होंगे, लेकिन पास होने वाले को बधाई दिया जाएगा और फेल होने वाले को ये कहा जाएगा कि असफलता सिद्ध करती है कि परिश्रम पूरे मन से नहीं हुई थी। आप परिश्रम करेंगे, आपकी रिजल्ट होगी। साथियों, कोई डरने की बात नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं और गर्दनी बाग से अपडेट आपको दिया जाएगा टाइम टू टाइम। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद।